वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसी चीजें जो भारत की सक्सेस स्टोरी में बाधक बन रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपको क्या कहे, अपोजिशन आपको क्या कहे, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने कॉमन सेंस से क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज जो भारत की सक्सेस स्टोरी में बाधक है, यस इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड आई डू अंडरस्टैंड, बट सच्चाई है, भारत को अपने कलेक्टर कंसेप्ट पर काम करना पड़ेगा। बेसिकली कलेक्टर कंसेप्ट होता क्या है, हर शहर के अंदर एक डीएम होता है। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। भारत के अंदर 700 के आसपास जिले हैं, हर जिले में एक जिलाधिकारी है जिसको डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आम भाषा में कलेक्टर कह देते हैं। ये सब होने के बाद भी देश के अंदर हर जिले के अंदर नकली दूध कैसे बिक रहा है, हर जिले के अंदर अवैध खनन कैसे हो रहा है, हर जिले के अंदर टैक्स की चोरी कैसे हो रही है, अगर ये सब हो रही है, इस चीज के बावजूद कि कलेक्टर उन लोगों को बनाया जाता है जो यूपीएससी जैसा कठिन परीक्षा पास कर क्रीम ऑफ द सोसाइटी बनकर ब्यूरोक्रेसी बने हुए हैं, तो मतलब कंसेप्ट फेल है। अगर कंसेप्ट इतना ही अच्छा है तो ये कंसेप्ट अमेरिका में क्यों नहीं है। जब ब्रिटिश राज में इस कंसेप्ट को लाया गया तो ब्रिटिशर्स आज इसको फॉलो क्यों नहीं करते, वो इसके लिए फॉलो नहीं करते क्योंकि ये कंसेप्ट फेल्ड है और इंडिया ने आज तक इसको स्वीकार नहीं किया है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आने वाले 5 से 6 साल में भारत का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंसेप्ट धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा। और पावर्स किसको दी जानी चाहिए, बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में पावर्स भी उन्हीं के पास होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं। मेयर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगा मेयर में, लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी कैसे मिलेगी। सपोज कीजिए पार्टी नंबर ए का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मतलब मेयर है जिसके पास पावर है, और पार्टी नंबर बी को कोई परमिशन चाहिए, तो वो देगा या नहीं देगा, कैसे नहीं देगा। जब चीफ मिनिस्टर के राज्य में प्रधानमंत्री आते हैं तो चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना पड़ता है और रिसीव भी करना पड़ता है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी विल नॉट बी ए प्रॉब्लम इफ इंप्लीमेंटेड करेक्टली। नंबर टू, आई मीन दिस, ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ, पिछले 100-125 वीडियोज़ में। भारत को अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सिस्टम बदलना पड़ेगा। मतलब आप कितना भी गुस्सा हो जाइए मेयर पर, आप कितना भी गुस्सा हो जाइए उस बिलियन शार्क टैंक वाले बंदे पर जिसने कहा था कि सीए के चक्कर में मत पड़ना, प्रॉब्लम्स होंगी, कितना भी आप विरोध कर लें, लेकिन सच्चाई है कि भारत में अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं तो उसमें सीएस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, आपको दिखती हैं। जिस ऑडिटर ने बैलेंस शीट ऑडिट की है, जिस सीए ने उस फर्म को जीरो से लेकर हीरो बनाया, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फर्म्स पर आज तक एक्शन हुआ है, 100 पर भी नहीं हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जिस पर भी आईसीएआई गुस्सा हो गई थी, तथ्य बताने पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बुली कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत बदलना पड़ेगा, और तुरंत नहीं, तुरंत से पहले बदलना पड़ेगा। नंबर 3, द हाई रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। आप लोगों ने अगर कभी घर खरीदने का प्लान किया है तो आप लोगों को एक बात ज़रूर बताई होगी बेचने वाले ने, कच्चा पक्का, सूरत जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर, या बड़े शहरों में आप कहीं जाओगे तो वो तो सीधा बोलते हैं 60-40, किसी किसी जगह 50-50, किसी किसी जगह 30-70 होता है। इसका मतलब ये होता है कि 70 जो है आप उसका रजिस्ट्रेशन करा देना, 30 कैश में दे देना। यानी अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 70 लाख की आप रजिस्ट्री करा देना, 30 लाख कैश में दे देना। अगर 60-40 का है सूरत जैसे शहरों में, जिसका मुझे एग्जैक्टली पता है सूरत का, तो 60 लाख की आप रजिस्ट्री करा देना, 40 लाख आप कैश दे देना। अब ये कैश क्यों लिया जाता है, रजिस्ट्री क्यों कराई जाती है, इसके पीछे कंसेप्ट ये होता है कि जिस भी रेट की आप रजिस्ट्री कराते हैं उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन स्टैम्प ड्यूटी में लगता है। सपोज़ कीजिए कि किसी जगह पे 0.25% है स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द सेल अमाउंट, जितने में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ऑफिशियली बेचने वाले से। अगर वो 60 लाख है और उसका 0.25% निकालेंगे तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर अमाउंट निकलेगा, और वही 2.25% अगर आप 1 करोड़ पर निकालेंगे तो वो ज़्यादा निकलेगा। प्लस इसी के साथ फिर आपको एक कैपिटल गेंस भी दिखाना पड़ता है। जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची, अगर आप उसके साथ रजिस्ट्री 60 लाख की कर रहे हैं तो उसको आधिकारिक बैंक अकाउंट्स में 60 लाख दिखाना पड़ेगा। अगर यही आप पूरा 100% पक्का करेंगे, वाइट मनी पे करेंगे, तो उसको 1 करोड़ भी दिखाना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स पर भी टैक्स लगता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड और कम्बरसम प्रोसेस है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। टैक्स के ऊपर बाद में बात करूंगा, उससे पहले कम से कम हमें जो हाई रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है उसको कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉपर्टी के रेट्स भी स्टेबल होंगे और कच्चे पक्के वाला जो काम है कम से कम प्रॉपर्टी में वो धीरे धीरे स्टेबल होना स्टार्ट होगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा बंदरबाट कैश का, वाइट मनी का, ब्लैक मनी का ज़मीन के अंदर ही होता है। नंबर 4, जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया आपको, कंबरसम टैक्सेशन प्रोसेस है। देखो डिलॉयट एक कंपनी है जो बिग फोर में, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है डिलॉयट, उसने एक सर्वे कराया कि
कि भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कैसा है, मतलब क्या है, क्या समस्याएं आ रही है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का टैक्सेशन सिस्टम चाइना के बाद दुनिया में नंबर दो कंबरसम का आता आ सकता है। दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, दुनिया भर की कंपनीज लगाते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सबको एक प्रॉब्लम ये है कि भारत का टैक्सेशन सिस्टम इको फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, बहुत कम्बरसम है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो वोडाफोन के केस में हुआ था कि 2007 से उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी थी। सेम हुआ था वेदांता के ऊपर, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो, जो केयर्न एनर्जी की कंपनी थी जिसको वेदांता ने खरीद लिया था, और 1962 के इनकम टैक्स रूल बदल के, टैक्स के रूल बदल के उन्होंने उसके बाद 2007 की डील पे, 2011 की डील पे बाद से टैक्स लगा दिया था। तो ये कंबरसम टैक्सेशन पॉलिसी है जिससे इंडस्ट्री का दुनिया में ऐसा पैमाना जाता है कि भारत एक टैक्स फ्रेंडली कंट्री नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो टैक्स फ्रेंडली कहे जा सकते हैं, और दूसरे देशों में भारत के टैक्सेशन से बेटर टैक्सेशन फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। इवन पाकिस्तान में टैक्सेशन फैसिलिटी भारत के टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी से बेटर है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिस पे आज तक पता नहीं क्यों डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ला के कहता है कि हमने काले धन पर मतलब कंट्रोल पा लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा नोट $100 का हो, चाइना के अंदर सबसे बड़ा नोट 100 युआन का हो, जर्मनी में 500 का हो, यूनाइटेड किंगडम में 50 पाउंड का हो, इंडिया में 2000 का नोट चल रहा है, फ्रांस में 500 का नोट सबसे बड़ा माना जाएगा, कनाडा में 100 का सबसे बड़ा नोट माना जाएगा, इटली में 500 यूरोज का नोट सबसे बड़ा माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि इंडियंस 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाकर सोच रहे हैं कि हमने काले धन पर कंट्रोल कर लिया। ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब कैसे हो सकता है कि आप कैश रिच कंट्री हो, कैश ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हो, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करो कि सारा का सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन होकर सबके सब आपके टैक्स अम्ब्रेला के अंदर आ जाएंगे। मतलब सोच के देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक 10x10 का लॉकर, मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं पता कितना होता है बैंक का लॉकर, इतना ही होता होगा, 10x10 के लॉकर में अगर आप 1000 के नोट रखते हैं, और सोचिए आप 1 करोड़ रख पा रहे थे काले धन का बिना किसी को बताए कैश में, और 1000 का नोट बंद करके ऑलमोस्ट उसी डायमेंशन का आप 2000 का नोट ले आते हैं, उसी लॉकर में आप करीब 2 करोड़ रख सकते हैं। तो इससे ब्लैक मनी खत्म कैसे होगा? एक कंट्री जहां पर इतने बड़े डिनोमिनेशन के नोट चलते हों, वो कभी भी टैक्स कंप्लायंस पूरा नहीं कर पाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये थी वो 5 चीजें जो भारत को तुरंत प्रभाव से करनी पड़ेंगी अगर भारत को टेक ऑफ करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।